अस्सलामुअलैकम जी। तो कैसे हैं दोस्त? ये जी, ये इस वक्त जो मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, इसका नाम है गज़ीनिया। गज़ीनिया का पौधा मैंने पहले भी आपको दिखाया है, वो डबल शेड वाला था, अभी ये सिंगल शेड येलो कलर का है जी। ये सिंगल कलर का फूल है, और वो जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो डबल था। मेरे पास और भी वैरायटी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो ये हमने बोतल में लगाए थे, ये देखिए इस तरह हमने इसको बोतल को लटकाया हुआ था, ये देखें माशाल्लाह। और बोतल में थोड़ी सी मिट्टी होती है, और उसके बावजूद देखें माशाल्लाह इसकी परवरिश जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, इस वक्त तकरीबन जो है ना वो पांच फूल जो खिले हुए हैं, पांच छह फूल खिले हुए हैं, और दो तीन फूल ऐसे हैं जो वक्त के साथ मुरझा गए हैं। मैं आज उनको काट देता हूँ, ताकि इसकी जो टहनियाँ फालतू हैं ना, इसको काट देते हैं ऐसे कैंची के साथ। आप भी अगर घर में बोतल में लगा ले कोई पौधा, तो उसकी जो फूलों के बाद की जो टहनियाँ होती है ना, वो उनको काट दिया करें, ताकि जो है ना नई टहनियाँ निकलने में आसानी हो। ये देखें, ये कली है, ये अभी इसके ऊपर फूल आना है। और ये देखें, बाकी हमने जो है ना वो पुराने वाली जो फूल पुराने हो गए थे, उनको हमने काट के लहदा कर दिया है। और ये देखें, ये इतना पौधा बड़ा हो गया कि इसकी जड़ें देखें, बोतल का ढक्कन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें इसकी जड़ें यहाँ तक आ गई हैं। और अगर ये ज़मीन में लगा दें तो ये पौधा जो है ना, वो इसकी नशोनुमा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो आप भी ऐसे ही घर में कोई भी चीज़ हो तो उसमें जो है ना वो पौधे वगैरह लगा सकते हैं। तो हमने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, तो वहाँ जा कर भी हमें जो है ना वो देखें, और लाइक करें और शेयर करें, और देखें बताएं कि हमने हमारी ये कोशिश जो है ना वो आपको कैसी लगी। आरफ होम गार्डन के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, उस पर आप जाएं और देखें, चेक करें, और फिर हमें बताइएगा कि ये हमारी कोशिश जो है ना वो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।